पठान किस्म का है, लेकिन इसमें इतना खर्चा नहीं है, इसमें ज्यादा थोड़ी अकल की बात और सब्र की बात है। हम चूजा खाते हैं ना तो एक चीज होती है जिसे पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का मैं एक नेमो बदल बताना चाह रहा हूँ, जो वो खरगोश होता है ना उसका गोश्त, उसको तरजीह देनी है, क्योंकि खरगोश अगर फर्ज कीजिए आप 8 या 10 जोड़े ले लेते हैं, ठीक है, और उनको आप एक ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे खाने के लिए यानी सब्जा हो, लेकिन वहाँ पे सांप और ये जो होते हैं गीदर वगैरह ना हो, यानी उनको किसी चीज से खतरा ना हो, उनको जो चीज मार ना जाए, तो 3 साल के बाद आपके पास 2 लाख मिनिमम 2 लाख जो है ना खरगोश होंगे। इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें अपना मुर्गियों जैसा वो देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कोई है वीराने की जगह, या जरूरी भी नहीं आप लाखों में इनको वो करें रखें, आप 2-3 दर्जनों नंबर्स में रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि फोड़ी बढ़ते हैं। और लेकिन ये आइडिया ऐसा था कि अगर आप आपके पास कोई अबावदाई कोई है, कोई पुरानी जमीन है जो किसी ने आपको दी हुई है, उसकी फेंसिंग कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सब्र रख सकते हैं, तो गिनती बहुत बड़ी है। अगर आप चंद सौ किलो का बोले, अगर चंद सौ रुपए ही बोले उसका एक वो क्या कहते हैं खरगोश का, तो टोटल जो है अपने कई करोड़ों में बनती है ये रकम, दो सिर्फ 5 जोड़ों से। सो ये एक आइडिया है, जरूरी नहीं है इस पे उतरी है। मैं खुद रिसर्च कर रहा था कि पोल्ट्री का जो अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, ऐसा अल्टरनेटिव जो हम वीराने में छोड़ दें, जंगल लगा दें, सिक्योरिटी अच्छी सी लगा दें, और फिर बंदा 3-4 साल के बाद वापस आए तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टेक्निकली लाखों की तादाद में हमें खरगोश मिलेंगे। सो और आई डोंट नो, पाकिस्तान में कई बार मुफ्त के भी खरगोश मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों के बढ़ जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, वो दे देते हैं, आप वो वाले इस्तेमाल कर सकते हो। खरगोश में ऐसी नस्लें हैं जो बाकायदा खरगोश के लिए उनको पाला जाता है, आई डोंट नो वो कहाँ से मिलेंगी आपको, लेकिन थोड़ी आपको तहकीक करनी पड़ेगी। फिर कुछ नस्लें होती हैं जो खाल के लिए होती हैं, फिर कुछ अपना वैसे पेट रखने के लिए होती हैं, वो नरम से होते हैं देखने के लिए, लेकिन आपको गर्ज है खरगोश वाले से। और बस यही सिंपल सा आइडिया, आगे आपको इसको चलाना है, देखना है इसका क्या आप निकाल सकते हो। अगर किसी ने किया है तो प्लीज वीडियो आप भी बनाओ, शेयर करो सबके साथ अपना तजुर्बा कि मैंने ये किया और इससे क्या फायदा होता है। मे बी ये ऐसी चीज है फौरन आपको एकदम पहले दिन पैसा नहीं देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और थोड़ा सब्र जरूर चाहिए, अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है, ठीक है। बस यही आइडिया था, मैं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आजाद चाय वाला, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है नीचे YouTube के वो दबाना मत भूलिएगा। अगर आप Facebook पे हो तो फिर भी आप youtube.com/आजाद चाय वाला पे जाके प्लीज इस बटन को जरूर दबाइएगा। मुझे ना उर्दू का सबसे पहले 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर्स वाला चैनल बनाना है, और वो सिर्फ आपकी मदद से बना सकता हूँ। सो अगर कोई दादा मामा चाचा फुफरा हालू पड़ोसी भाई बहन भतीजा मिलता है तो उसके पास अगर YouTube का अकाउंट है नहीं है, फिर भी बना के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं हूं आजाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, आपके थैंक यू का बहुत बहुत, आपके थैंक यू का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।